हिमाचल प्रदेश में संकट अब थम नहीं रहा है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ सरकार के लॉकडाउन खोलने के बाद भी हिमाचल का कारोबार चौपट है। दुकानें तो खुल गई हैं लेकिन ग्राहक है नहीं। क्या है पूरी खबर, स्टूडियो में जानते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिमाचल कोई भी करंट अफेयर और न्यूज़ जानने के लिए। पर्यटन औद्योगिक समेत तमाम व्यावसायिक गतिविधियाँ ठप हैं। करोड़ों की चपत लग चुके हिमाचल प्रदेश पर कोरोना वायरस की तगड़ी मार पड़ी है। राज्य में पर्यटन औद्योगिक समेत अन्य तमाम व्यावसायिक गतिविधियों ठप पड़ी हुई हैं। लॉकडाउन लंबा चलने से कारोबार में भी नुकसान अधिक हो रहा है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में कारोबार को करोड़ों की जबत लग चुकी है। प्रदेश व्यापार मंडल का माने तो लॉकडाउन के दौरान राज्य में अभी तक 24,000 करोड़ से अधिक की चपत लग चुकी है। प्रदेश में लॉकडाउन मार्च के आखिर में लग गया था, इसके बाद अधिकांश दुकानें बंद हो गई हैं। डेली नीड्स की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें लंबे अरसे तक बंद रही हैं। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन में प्रदान की गई छूट की अवधि के दौरान डेली नीड्स की दुकानें खुलने के समय राज्य में रोजाना करीब 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार हो रहा था, जबकि अन्य दुकानें बंद होने से कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ था, जिससे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते दिनों से लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन इस दौरान भी कम ही कारोबार हो रहा है। इन दिनों राज्य में 200 से 250 करोड़ का कारोबार हो रहा है, लेकिन कई कारोबारी अभी भी ऐसे हैं जिन पर लॉकडाउन की भारी मार पड़ी है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान अभी तक 24,000 करोड़ के कारोबार को चपत लग चुकी है और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है छोटे कारोबारियों का। संकट है, प्रदेश में लॉकडाउन से छोटे कारोबारियों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। व्यापार मंडल के मुताबिक राज्य में पंजीकृत 20 से 25 फीसदी छोटे कारोबारियों का कारोबार चौपट हो गया है। इन कारोबार की तरसना पड़ रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा इन छोटे कारोबारियों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इनके लिए सरकार को ज़रूर पॉलिसी कुछ बनानी चाहिए। और अगली बात हम करें, दुकानें तो खुल रही हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा है। 7 घंटे फ्री बैठकर वक्त बिता रहे हैं दुकानदार, कारोबार बंद करने की नौबत आ गई है। हिमाचल में दुकानें तो खुल गई हैं मगर दुकानें में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकानों में ग्राहकों के ना आने से कारोबारी वर्ग निराश है। कारोबारी अभी भी दुकानों में बैठकर ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश सुमेश शर्मा ने कहा कि सभी दुकानें खुलने के बाद भी कारोबार मंदी के दौर से गुजर रहा है, ग्राहकों दुकानों में नहीं आ रहे हैं। हिमाचल में मार्केट खुलने के बाद भी रोजाना 200-250 करोड़ तक का ही कारोबार हो रहा है। दुकानदार अवधि के दौरान कम समय तक खोलने के पक्ष में है। प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुकानें खोलने की अवधि बढ़ा दी गई है मगर दुकानों में ग्राहक ही नहीं आ रहा है तो काम कैसे चलेगा। कारोबारियों को दे राहत पैकेज ये मांग हो रही है व्यापार मंडल की तरफ से कि कोरोना के दौरान कारोबारियों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार कोई पैकेज की घोषणा करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हिमाचल प्रदेश की कोई भी करंट अफेयर और न्यूज़ या बिजनेस न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।